अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है। मैं हूँ उदीम जफ़र और आप देख रहे हैं अदीम रीटिंग का दोनों। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरह का बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं या कवर कैसे बना डीपी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड है इसका मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो की, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पिकार्ड्स में चले जाना है, ऐड फोटो में जाके आपने इस बैकग्राउंड को ऐड कर देना है। जैसे मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जाना है ड्रा वाले ऑप्शन में। ड्रा वाले ऑप्शन में जब आप जाओगे तो आपने ड्रा पे क्लिक करके फिर ड्रा करना है। तो अब आपने नीचे ये राइट साइड पे कॉर्नर पे ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो फोटो पर क्लिक करके आपने वो पिक ले लेनी है जिसको आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसका बनाना है, ये देखें मैंने ऐड कर दिया है। अब ये देखें ऐड हो गया। अब अगर मैं इस पिक को यहाँ से जो है ना मूव करने की कोशिश करूँ तो नहीं होता, ये इरेजर हो जाता है। ये देखें ये इरेजर हो गया। तो इसको अपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इन तीन डॉट्स पर आप क्लिक करोगे ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद आपने इन तीन डॉट्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म वाले पे क्लिक करोगे फर्स्ट वाले पे, तो आपकी ये पिक मूव होना शुरू हो जाएगी, देखें जाते ये, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ओके कर दें। और अब आपने क्या करना है, आप अपने इस वाली लेयर को नीचे ले आना। इसको जैसे आप इस तरफ नीचे लेकर आएंगे तो ये आपके मोबाइल के नीचे पिक चली जाएगी। जैसे मैं ये लेकर आई, ये देखें अब हमारी पिक जो पहले ऊपर थी वो अब नीचे चली गई है। अब आपने क्या करना है, इस तीन डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफार्म वाले पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे। जैसे आप क्लिक करते हो ट्रांसफार्म वाले पे तो आपने फिर आप अपनी पिक को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे कि कहाँ पर आपकी ठीक लग रही है, तो उस हिसाब से आप इसको ऐड कर देंगे। जैसे मेरे ये जो अब आपने ऊपर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली आपने इस पिक को ओके करके ऊपर से सेव कर लेनी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिक हो जाएगी सेव।